कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी को बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाकायदा देने का काम किया। हम तीसरी बड़ी ताकत कर्नाटका में भी बने, उसी क्रम में हमारे श्री शरियार खान साहब को पार्टी से ज्वाइन कराने के लिए हम लोग आए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हम डबल डिजिट से में आने से रोकने का काम करेंगे। ये बिल्कुल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को देखेगी। हम लोग जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं फरहान IMB से, आज मेरे साथ बड़े नेता BSP के लखनऊ से आए हैं। उनसे जानने की पहले कोशिश करेंगे कि कर्नाटका में आने का मकसद क्या है और फिर बात करेंगे UP के बारे में। सर, आप लोग आज बेंगलोर आए हैं जी, जहाँ तक अभी तक हम लोगों को खबर है कि शरियार खान साहब आपके साथ जुड़ने वाले हैं जी, तो शरियार खान को आपके साथ जुड़ने का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे कर्नाटक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी बड़ी हिस्सेदारी के साथ शिरकत करें, और शिरकत ही नहीं करें बल्कि इस देश की जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको हराने का काम करें। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार बार जनप्रिय, लोकप्रिय, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रहीं। आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे कर्नाटक प्रदेश के स्टेट इंचार्ज की हैसियत से मैं और श्री ML तोमर साहब, हम दोनों लोग यहाँ पर आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर के हम अपने कैंडिडेटों का चयन करें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश के तमाम प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो एक सामाजिक न्याय से संबंधित रखने वाले लोग या जो वंचित समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक बड़ी फोर्स उत्तर प्रदेश में तैयार की, और उत्तर प्रदेश जो देश के आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उसमें चार बार अपनी सरकार बनाने का काम किया है। उसी तरीके से हम लोग कर्नाटक में भी एक बड़ी ताकत बने जिसमें हम दलित और मुसलमान को और OBC के लोगों को इकट्ठा करने का काम करें। उसी क्रम में आज हम शहरयार खान साहब को, जो कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही न्यायप्रिय रही है, इनके फादर बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे, गवर्नमेंट साहब थे, इंटेलेक्चुअल थे, उस नाते इनकी परिवार की साफ सुथरी छवि रही है, इनकी अपनी समाज में बहुत बड़ी छवि है, और बहुजन समाज पार्टी जिसके जन्मदाता और संस्थापक मानवर कांसीराम साहब थे, उनका हमेशा से सोचना रहा है, उनकी राजनीति के केंद्र में हमेशा से दलित और मुसलमान की एकता रही है। उन्होंने स्लोगन भी लगाने का काम किया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो उस क्रम में हम लोग यहाँ पर दलित और मुसलमान को इकट्ठा करके एक कर्नाटका में तीसरी बड़ी फोर्स, तीसरी बड़ी ताकत, जो आज BSP देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी को ध्यान में रखते हुए हम तीसरी बड़ी ताकत कर्नाटका में भी बने, उसी क्रम में हमारे श्री शहरयार खान साहब को पार्टी से ज्वाइन कराने के लिए हम लोग आए। सर, ये बताइए कि अभी तक जितने भी कमज़ोर और वीक और पिछड़े जाति के लोग हैं जी, कर्नाटका में हर दूसरे पार्टी ने सिर्फ यूज़ किया है जी, एक लड्डू दिखा देते हैं इलेक्शन के टाइम में और उसके बाद से कोई पूछता नहीं है, दबा के रखा गया है जी, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएंगे तो इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी जी, तो कहीं ऐसा तो आप लोग इसमें उसी तरह का काम तो नहीं करेंगे कि जब आप मजबूत हो जाए तो इनको आप नहीं पूछें? आपका एजेंडा थोड़ा क्लियर होगा। देखिए, आप लोग, पता नहीं आपको कितना पता है उत्तर प्रदेश में हमारी सरकारों के बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा है, आज़ादी के 70 वर्षों के इतिहास में अगर आप उत्तर प्रदेश में 7 बहुजन समाज पार्टी की सरकार को छोड़ दें, बाकी की सभी सरकारों ने न सिर्फ दलित और पिछड़ों को बल्कि मुस्लिम समाज को भी केवल वोट की राजनीति, वोट बैंक समझ करके इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने भी किया या बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी किया, चाहे आपके कर्नाटक में जनता JDS हो या हमारे उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में उन पार्टियां हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिस मोटो के साथ, जिस लक्ष्य के साथ बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी और ये स्लोगन लगाने का काम किया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी को बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाकायदा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जब जब BSP की सरकार बनी है तो आदरणीय बहन जी ने अपनी कैबिनेट में सेकंड नंबर के मंत्रियों को हमेशा मुस्लिम समाज के मंत्रियों को रखा, और एक एक नहीं 7 कैबिनेट मंत्री अपनी कैबिनेट में बनाने का काम किया, 10-10, 15-15 राज्य मंत्री से लेकर के और राज्य मंत्री के दर्जा देने का काम किया। और जहाँ तक टिकट देने की बात रहती है,
तो आप 2002 से लेकर के अभी तक का देख लें, चाहे पार्लियामेंट 4 का हो, 2002 की असेंबली उत्तर प्रदेश की हो, 2009 का पार्लियामेंट हो, 2007 की असेंबली हो, 2013 की, 2014 की पार्लियामेंट हो या 2017 की असेंबली हो, सभी में बीएसपी ने मुस्लिम समाज के लोगों को उनकी आबादी से ज़्यादा हिस्सेदारी देने का काम किया है। इसलिए बीएसपी इस्तेमाल करके मुस्लिम समाज को छोड़ने का काम नहीं करती, क्योंकि बीएसपी जानती है जितनी भी इस देश में जितने भी कमीशन्स की रिपोर्ट आई हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या राजेंद्र सच्चर कमेटी, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, उन कमेटी ने बताने का काम किया कि इस देश में मुस्लिम समाज दलितों से भी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए उनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बहन जी ने राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी है, सामाजिक हिस्सेदारी भी दी है और उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहन देने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आदरणीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के बच्चों को न सिर्फ वजीफा देना स्टार्ट किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो मंडल कमीशन के अकॉर्डिंगली 27% पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश था जहां बहन जी ने मुस्लिम समाज के जो पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र देकर के 27% रिजर्वेशन में हिस्सेदारी दिलाने का काम किया है। तो इसलिए ये आरोप बीएसपी को छोड़ के आप सभी पार्टियों पर लगा सकते हो कि उन्होंने मुस्लिम समाज को वोट की राजनीति तक सीमित रखा, वोट लेकर के उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया, बीएसपी उन्हें हिस्सेदारी देने की बात करती है। यहाँ की जनता आप पे भरोसा कर सकती? बिल्कुल, मैं कर्नाटक की विद्वान जनता से, महान जनता से अपील करता हूँ कि बीएसपी कहने में नहीं करने में विश्वास करती है। बीएसपी की चारों बार की उत्तर प्रदेश की आप सरकार देख लें, उत्तर प्रदेश में जब जब बीएसपी ने सरकार बनाई है तो जो नहीं का उससे ज़्यादा करके दिखाने का काम किया, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो चाहे हिस्सेदारी के क्षेत्र में हो, बीएसपी ने करके दिखाया है। एक बार कर्नाटक के लोग दलित और मुसलमान मिलकर के पिछड़े, जब दलित मुसलमान यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो पिछड़े और बाकी जातियाँ ऑटोमेटिक बीएसपी के साथ आ जाएंगी। एक बार तीसरी ताकत बन के यहाँ पर देख लें और उसके बाद परिणाम देख लें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी मिली है। बीएसपी में मुस्लिम समाज पिछलग्गू नहीं होता है, फ़र्क है बाकी पार्टियों में, कांग्रेस में, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में तो सवाल ही नहीं उठता है। इन पार्टियों में मुस्लिम क्या होता है, द्वम दर्जे का हिस्सेदार होता है। बीएसपी में मुस्लिम समाज प्रथम दर्जे, बीएसपी में लीडर होता है, वहाँ पिछलग्गू होता है, ये फर्क है बीएसपी और अन्य पार्टियों में। सर, यूपी का गठबंधन में कुछ फायदा होने वाला दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इस बात को दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बीएसपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में, उनकी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कर्नाटक में मैं यहाँ पर आया हूँ, इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हम डबल डिजिट से में आने से रोकने का काम करेंगे। ये बिल्कुल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को देखेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो 73 सीट्स और बीजेपी उनके अलायंस जीते थे, इस बार 13 सीटें उनको जीतना मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, तो ये आपका कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन नहीं है, ये 100% का इक्वेशन है। अच्छा। कैलकुलेशन और इक्वेशन में फ़र्क है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी और आरएलडी तीन का वोट केवल 50% के आस 45-50% वोट बनता है, और बीएसपी का वोट और एसपी का वोट दोनों एकदम कंसोलिडेट है, बिल्कुल एकदम रॉक की तरह एकदम मजबूत है। इसलिए वो वोट कहीं इधर उधर, 100% बीएसपी का ट्रांसफरेबल वोट है। आपने पिछले चुनाव में कर्नाटका में देख लिया, बीएसपी की लीडर आदरणीय बहन जी यहाँ पर आई तो एक एक वोट जेडीएस को हमारा वहाँ पर गया। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा, और ऐसा होने के बाद बीएसपी और एसपी का गठबंधन जो वहाँ बना है आरएलडी के साथ, वो कम से कम 80 सीट में से 60-70 सीट जीतने का काम करेगा। तो कर्नाटका में कितने लोग इस बार फाइट करेंगे इलेक्शन? कर्नाटका में हम लोग 28-2800 सीटें लड़ाने का काम करेंगे आउट ऑफ 28। कोई गठबंधन नहीं हम लोगों का, हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जेडीएस का गठबंधन कांग्रेस के साथ है और हमारा कांग्रेस के साथ पूरे देश में, जैसा कि आपने दो दिन पहले देखा हो, आदरणीय बहन जी ने प्रेस के माध्यम से बताया है कि हमारा पूरे देश में कांग्रेस के साथ कहीं भी समझौता नहीं है। जहां कांग्रेस का जिन पार्टियों के साथ समझौता होगा, हमारा उन पार्टियों के साथ भी समझौता नहीं होगा। इसलिए कर्नाटक में हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हमारे कर्नाटक में एक विधायक भी हैं और वो विधायक भी अब हम लोग एक तरह से इंडिपेंडेंट और अपोजिशन के रूप में काम करेंगे। अपनी तरफ से क्या लगता है कि शरियार खान के आने से कितनी मजबूती बीएसपी को होगी, इसके बारे में थोड़ा आप अपने तरफ से बताएं।
बहुजन समाज पार्टी मूल रूप से इस देश में दबे कुचले पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों को मान सम्मान की लड़ाई जो लड़ रही है उसमें भाई शेरियार खान के कर्नाटक प्रदेश में पार्टी ज्वाइन करने से निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी और आने वाला समय में मुस्लिम समाज के भी भाइयों का जो आज तक जिनको वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था अब उनके वोट का इस्तेमाल ना होके उन लोगों को मान सम्मान दिए जाने की पहल शुरू हो रही है और इस काम को हम बाखूबी करने के लिए इधर उत्तर प्रदेश से आए हैं और आने वाले समय में बहुजन समाज बनाने का काम करेंगे। और ये गठबंधन का बहुत असर नज़र आ रहा है यूपी में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसा रहेगा सर ये गठबंधन? ये गठबंधन तो असली गठबंधन है वही बहुजन समाज बनाने की बात जो मैं कर रहा हूँ, इस गठबंधन से बहुजन समाज और सर्व समाज के गरीब कमजोर लाचार लोग आपस में भाईचारा कायम होगा। आने वाले समय में हम लोग जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश उसकी प्रयोगशाला है और निश्चित रूप से उस प्रयोगशाला में हम लोग कामयाब होंगे। जहाँ से उनकी 73 सीटें थी अब की आप देखेंगे कि 10-12 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उधर नहीं जीत पाएगी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पहल करेगा देश का प्रधानमंत्री बनाने की। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।